प्रोड्यूसर प्रॉब्लम और कंज्यूमर प्रॉब्लम दोनों जो है एक सेमाफोर को एक्सेस करेंगे. व्हाट इज द सेमाफोर? सेमाफोर को हम कहते हैं दिस इज अ शेयर्ड वेरिएबल, दिस इज अ शेयर्ड वेरिएबल, या फिर हम इसको कहते हैं दिस इज सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव, दिस इज सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव. ओके, क्या है सेमाफोर? एक्चुअली सेमाफोर एक ऐसा वेरिएबल है जिसका एक्सेस कुछ स्पेशल फंक्शंस करते हैं. ठीक है, कुछ स्पेशल फंक्शंस होंगे जो कि सेमाफोर को एक्सेस करें. वो फंक्शंस कौन कौन से हैं? वो फंक्शन है वेट और सिग्नल. ठीक है, वेट फंक्शन एक्सेस करेगा सेमाफोर को, सिग्नल फंक्शन एक्सेस करेगा सेमाफोर को, और वेट और सिग्नल दोनों कर्नल मोड में चलते हैं. ठीक है, वेट एंड सिग्नल बोथ रन इन द कर्नल मोड. कर्नल मोड का क्या मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मोड में ये चलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल मोड में, और वेट और सिग्नल प्रोसेस का प्रीमिशन पॉसिबल नहीं, या वेट और सिग्नल फंक्शंस का प्रीमिशन पॉसिबल नहीं. ठीक है, सो वी हैव अ सेमाफोर वेरिएबल. लेट्स से हमने कहा कि देयर आर एन आइटम्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, तो हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो एन है इसको हम सेमाफोर बना सकते हैं. ठीक है, इसको हम सेमाफोर बना सकते हैं, और जब भी प्रोड्यूसर को आइटम प्रोड्यूस करना होगा उस सॉरी एन को नहीं करते हैं, एन क्योंकि हमारा कांस्टेंट होगा. लेट्स हम काउंट को जो है सेमाफोर बना देते हैं. जब भी कंज्यूमर प्रॉब्लम एक्सेस करेगा काउंट को तो थ्रू सेमाफोर करेगा, वेट एंड सिग्नल फंक्शन करेगा, तो इसका प्रीमिशन पॉसिबल नहीं. इसी तरह से जो प्रोड्यूसर प्रॉब्लम है वो भी जब काउंट को एक्सेस करेगा तो सेमाफोर के थ्रू करेगा, वेट और सिग्नल के थ्रू करेगा, तो इसलिए बीच में प्रीमिशन पॉसिबल इसका नहीं. जस्ट सी सम ऑफ द स्टेटमेंट्स व्हिच इज एक्चुअली रिटन फॉर दिस सेमाफोर्स. फॉर रिकॉर्डिंग द वेक अप कॉल्स इन अ वेरिएबल, वेक अप कॉल्स को हम वेरिएबल्स में मैनेज करेंगे, जो सेमाफोर वेरिएबल है. ठीक है, दिस इज लाइक अ कूपन इन द रेस्टोरेंट, यूज इट एनी टाइम व्हेन यू नीड. ठीक है, जब भी आपको जरूरत हो कूपन की तो वहां पे आप जाके यूज कर सकते हैं कूपन को. तो आप सेमाफोर को भी एक कूपन की तरह इस्तेमाल, जब भी किसी को एंट्री करनी है क्रिटिकल सेक्शन में तो वो सेमाफोर को चेक करेगा. ठीक है, अगर रिडीमेबल है आपका कूपन तो आप एंट्री कर जाएंगे क्रिटिकल सेक्शन में, रिडीमेबल नहीं है करेंटली तो आप वेट करेंगे. ठीक है, एनी प्रोसेस बिफोर गोइंग टू स्लीप चेक इफ अदर प्रोसेस हैज गिवन अ वेक अप कॉल ऑलरेडी, इट डज नॉट गो टू स्लीप. एक्सेस टू सेमाफोर शुड बी दी सॉरी एक्सेस टू सेमाफोर शुड बी क्रिटिकल. ऑब्वियसली अगर हम सेमाफोर में ये कह रहे हैं कि कोई प्रिमिशन अलाउड नहीं है तो हम ये कहेंगे ना कि ये सेमाफोर का जो एक्सेस है वो क्रिटिकल सेक्शन, सेमाफोर का जो एक्सेस है दैट इज दी क्रिटिकल सेक्शन. तो ऑब्वियसली वट एवर आई टोल्ड यू इन दिस स्लाइड मे नॉट बी क्लियर टू यू, आई कैन अंडरस्टैंड, बट एज द टाइम गोज ऑन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस सेमाफोर. ओके, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू द चेंजिंग सेमाफोर वैल्यू इन द यूजर मोड इज नॉट अलाउड, इट विल बी एक्सेस इन दी कर्नल मोड ओनली. ठीक है, वेरिएबल्स ऑन विच रीड मॉडिफाई एंड अपडेट हैपेंस एटॉमिकली इन द कर्नल मोड ओनली. ठीक है, कर्नल मोड में ही केवल होगा और ये एटॉमिक है. एटॉमिक का क्या मतलब है कि अगर तीन स्टेटमेंट चल रहे हैं तो तीनों स्टेटमेंट चल जाएंगे तभी जो है आपका काम होगा, माने ये तीनों स्टेटमेंट एक साथ चलेंगे या एक बार में तीनों स्टेटमेंट चल जाएंगे, प्रीमिशन बीच में पॉसिबल इसका नहीं होता. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सेमाफोर्स, वन इज द बाइनरी सेमाफोर एंड द अदर वन इज द काउंटिंग. द मीनिंग ऑफ द बाइनरी सेमाफोर इज दैट द वैल्यू ऑफ सेमाफोर दैट यू हैव टेकन इज लेट्स से 1. So only one process can enter into the critical section if the value of semaphore is 1. In case we have taken the semaphore value as 4, you may take the example of the printer. Let's say 4 printers are available. So if the 4 printers are available, iska matlab ye hai ki 4 processes printers ko access kar sakte. Let's say P1, P2, P3, P4, 4 process ek printer ko access kar sakte. Kyunki number of printers are 4. लेकिन 4 के बियॉन्ड पॉसिबल नहीं होगा. इन केस अनदर प्रोसेस इज कमिंग लेट्स से P5, वो प्रिंटर को एक्सेस करना चाहता है तो इट विल वेट, इसको हम स्लीप करा देंगे. फिर तो P6 है इसको भी हम स्लीप करा देंगे, P7 आ रहा है इसको भी हम स्लीप करा देंगे. जब कोई प्रोसेस P1, P2, P3, P4 में से किसी प्रिंटर को फ्री करेगा देन हम P5 को वेकअप कर देंगे और क्रिटिकल सेक्शन अलाउ कर देंगे या प्रिंटर अलाउ कर. ठीक है, वंस अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड. लेट्स से देयर आर 4 प्रिंटर्स, सो द वैल्यू ऑफ सेमाफोर व्हिच हैज बीन इनिशियलाइज्ड इज 4. So what happens that on every allocation of the printer to any process, let's say P1 is trying to access the printer. So हमने क्या किया कि S की वैल्यू को 4 से 3 कर दिया.
Let's say P2 process is trying to access this printer. So हमने सेमाफोर की वैल्यू को 3 से 2 कर दिया. Then let's say P3 process is also trying to access. So हमने क्या किया कि सेमाफोर की वैल्यू को 2 से 1 कर दिया. Then let's say P4 is trying to access. Once again हमने क्या किया, ये जो सेमाफोर है इसकी वैल्यू को 1 से 0 कर दिया. Okay? So if we have the value of semaphore greater than 0, so 4, 3, 2, 1, इसका मतलब कि हम प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं. अब P5 एक प्रोसेस आता है. P5 प्रोसेस को क्या हम प्रिंटर दे पाएंगे? हमने चेक किया कि सेमाफोर की वैल्यू 0 है, तो एक काम करो इसको 0 से -1 कर दो. और चूंकि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं थी, सॉरी ग्रेटर देन 0 नहीं थी, मतलब पॉजिटिव नहीं थी, इसलिए हम कहेंगे कि P4 विल वेट, या इसको हम ये कहेंगे कि दिस विल गो टू स्लीप. सिमिलरली लेट्स से P6 प्रोसेस आता है, तो सेमाफोर की वैल्यू को -2 कर देंगे. और चूंकि ये पॉजिटिव वैल्यू नहीं है सेमाफोर की, इसलिए ये भी वेट करेगा, ये जो P6 प्रोसेस है, या फिर हम ये कहेंगे कि इसको स्लीप पे हम भेज देंगे, इट विल गो इन द स्लीप मोड. सिमिलरली एक और प्रोसेस अगर P7 आता है, तो उसके लिए सेमाफोर की वैल्यू को -3 कर देंगे, एंड दिस प्रोसेस विल ऑल्सो वेट. ठीक है. नाउ जैसे जैसे हमारा प्रिंटर फ्री होता रहेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल P1 ने मान लेते हैं कि प्रिंटर छोड़ दिया, तो जैसे P1 प्रिंटर छोड़ेगा, सेमाफोर की वैल्यू को -3 से -2 कर दे. क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि ये सेमाफोर की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए हम एक प्रोसेस को वेटिंग से निकालेंगे, वेकअप करेंगे और प्रिंटर एलोकेट करते. तो नेक्स्ट जो हम एलोकेशन कर रहे हैं वो P5 का प्रिंटर, P5 को प्रिंटर एलोकेशन कर रहे हैं. लेट्स से अब ये जो P2 प्रोसेस है वो छोड़ता है क्रिटिकल सेक्शन, तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी सेमाफोर की, -2 से -1. क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए हम क्या करेंगे, P6 प्रोसेस को एलोकेट कर देंगे प्रिंटर. नेक्स्ट P3 आया मेरे पास. ओके, तो P3 फ्री हो गया, या P3 ने प्रिंटर को छोड़ दिया, तो अब जो सेमाफोर की वैल्यू है वो -1 से 0 हो जाएगी. क्योंकि -1 से 0 है, तो हम क्या करेंगे कि क्यू से एक आइटम निकालेंगे, या P7 को हम वेकअप कर देंगे और इसको प्रिंट कर. ठीक है. सो एट अ टाइम 4 प्रोसेसेस आर देयर इन द क्रिटिकल सेक्शन. एट एनी मोमेंट 4 प्रोसेसेस आर देयर इन द क्रिटिकल सेक्शन. तो अगर नेगेटिव वैल्यू हमें मिल रही है किसी भी डी एलोकेशन के टाइम पे, या रिसोर्स के डी एलोकेशन के टाइम पे, तो उसका मतलब यह है कि मुझे एक प्रोसेस को वेकअप करना है. इवन 0 भी मिल रही तो भी हमें एक प्रोसेस को वेकअप करना है. लेकिन अगर पॉजिटिव वैल्यू मिले, तो इसका मतलब मुझे किसी भी प्रोसेस को वेकअप नहीं करना, क्योंकि कोई भी और प्रोसेस वेट नहीं कर रहा होगा. इससे भी शायद हो सकता है कि बहुत ज्यादा क्लैरिटी ना आई हो सेमाफोर्स के बारे में. लेट्स स्टडी अबाउट द काउंटिंग सेमाफोर वंस अगेन. ओके, व्हाटएवर आई टोल्ड यू, जस्ट गो टू दिस वंस अगेन. सो लेट्स से आई कैन अलाउ 3 प्रोसेसेस इन द क्रिटिकल सेक्शन. सो इन केस आई कैन अलाउ 3 प्रोसेसेस टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन, the value of the semaphore which is taken is 3. Let's say the value of semaphore is 3. जब भी कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करेगा, तो सेमाफोर की वैल्यू को हम डिक्रीमेंट कर दें. इनिशियल वैल्यू ऑफ सेमाफोर इज 3. एक प्रोसेस P0, उसने अपनी एंट्री के लिए रिक्वेस्ट दी, तो सेमाफोर की वैल्यू को हमने 3 से 2 कर दिया, डिक्रीमेंट कर दिया, और इसको क्रिटिकल सेक्शन अलाउ कर. फिर P1 प्रोसेस आया, इसको भी क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करना है. सो व्हाट वी डिड, सेमाफोर की वैल्यू को 2 से हमने 1 कर दिया और अलाउ कर दिया P1 को क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री. सेमाफोर की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम अलाउ करेंगे. P2 ने भी देखा कि सेमाफोर की वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए भी इसको भी हम क्रिटिकल सेक्शन में अलाउ करेंगे. लेकिन जाने से पहले इसकी वैल्यू को 1 से 0 कर दिया. नाउ P3 प्रोसेस को भी क्रिटिकल सेक्शन एंटर करना है, लेकिन P3 प्रोसेस ने देखा कि सेमाफोर की वैल्यू 0 है. ठीक है, तो प्रोसेस वही चल रहा है, या जो सिस्टम हमारा वही चल रहा है कि हमें डिक्रीमेंट करना है सेमाफोर को, तो 0 से हमने -1 कर दिया. लेकिन चूंकि सेमाफोर की वैल्यू इसने 0 रीड की थी, इसलिए P3 प्रोसेस को वेट करना है या स्लीप करना है. P3 प्रोसेस को हम क्रिटिकल सेक्शन में अलाउ नहीं करेंगे. ऑलरेडी 3 प्रोसेस P0, P1 एंड P2 आर देयर इन द क्रिटिकल सेक्शन. सिंस द वैल्यू ऑफ सेमाफोर वाज 3, इट मींस नॉट मोर देन 3 प्रोसेसेस कैन एंटर द क्रिटिकल सेक्शन. P3 प्रोसेस जिसको क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए सेमाफोर की वैल्यू डिक्रीमेंट की जाएगी. देन P4 को एक्सेस करना है, वन सेकेंड डिक्रीमेंट की जाएगी -1 के लिए. तो जो भी प्रोसेस सेमाफोर की वैल्यू को पॉजिटिव देखेगा, वो एंटर कर जाएगा क्रिटिकल सेक्शन. लेकिन जो नेगेटिव देखेगा या 0 देखेगा, वो एंटर नहीं करेगा, वो वेट स्टेट में चला जाएगा. सो प्रोसेस नंबर P3 एंड प्रोसेस नंबर P4 आर गोइंग टू स्लीप.
एंड दे आर गोइंग टू स्लीप. नाउ जब भी कोई प्रोसेस फ्री होगा क्रिटिकल सेक्शन से, देन उस केस में हम किसी एक प्रोसेस को वेकअप करें. ओके, यू विल सी दिस एग्जांपल अगेन एंड अगेन. तो क्रिटिकल सॉरी सेमाफोर की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम एंश्योर कर रहे हैं कि कितने प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर सकते हैं. इन केस यू वांट ओनली वन प्रोसेस टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन, टेक द वैल्यू ऑफ सेमाफोर एज वन. ओके, लेट्स से P0 प्रोसेस आता है, तो वो सेमाफोर की वैल्यू को वन से जीरो कर देगा. चूंकि ये वैल्यू जीरो हो गई है, नेक्स्ट प्रोसेस जो भी आएगा वो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री नहीं कर पाएगा. हम क्या करेंगे, सेमाफोर की वैल्यू को जीरो से माइनस वन कर देंगे और इसको वेट करा देंगे. एक और प्रोसेस आता है, उसको क्रिटिकल सेक्शन एंट्री करना है, तो माइनस वन से माइनस टू कर दो सेमाफोर, और P2 प्रोसेस को भी वेट कराओ या स्लीप करा दो. ठीक है, एक और प्रोसेस आता है तो माइनस टू से माइनस थ्री कर दो और इसको भी वेट करा दो. ओके, जब भी कोई प्रोसेस जब भी P0 प्रोसेस एग्जिट करेगा क्रिटिकल सेक्शन, तो सेमाफोर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी. इंक्रीमेंट मतलब कि माइनस थ्री से माइनस टू हो गई. ठीक है, माइनस थ्री से माइनस टू, इसका मतलब क्या है कि वेटिंग क्यू से हमें एक प्रोसेस को निकालना है. कौन से, P1 को निकालेंगे और इसको क्रिटिकल सेक्शन में अलाउ कर देंगे. फिर P1 मान लेते हैं, P1 प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा था वो भी कंप्लीट हो जाता है, क्रिटिकल सेक्शन छोड़ देता है, तो सेमाफोर की वैल्यू अगेन इंक्रीमेंट हो माइनस वन हो जाएगी. क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए हम क्या करेंगे कि एक प्रोसेस को क्यू से निकालेंगे P2 को और उसको क्रिटिकल सेक्शन दे देंगे. ओके, तो ये हमारा प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा कि हमें जब भी क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करना है या रिक्वेस्ट आ रही क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस की, तो सेमाफोर की वैल्यू को डिक्रीमेंट करो, और जब भी कोई क्रिटिकल सेक्शन को छोड़े एग्जिट करे तो जो सेमाफोर की वैल्यू उसको इंक्रीमेंट करो. ठीक है, अगर कोई प्रोसेस सेमाफोर की वैल्यू को निगेटिव देखता है तो उस केस में वो क्यू में चला जाएगा या स्लीप मोड में चला जाएगा, और अगर वो पॉजिटिव देखता है तो वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा या क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करेगा. सो दिस इज द कॉमन प्रोसेस और जनरल प्रोसेस ऑफ द सेमाफोर. ओके, ये मैंने एग्जांपल ऑलरेडी लिया था, ये पॉजिटिव वैल्यू टेल्स हाउ मेनी प्रोसेसेस कैन एंटर द क्रिटिकल सेक्शन. नेगेटिव वैल्यू टेल्स यू हाउ मेनी प्रोसेस आर ब्लॉक्ड. लेट्स टेक द एग्जांपल वन सेकंड. लेट्स से S was 4. S was 4 means how many process can enter the critical section at the same time. So there are 4 process which can enter the critical section. The value of S4 tells us now. Now let's say the requests are coming from P0, P1, P2, P3, P4 and P5 processes. So on the request of P0, semaphore value comes from 4 to 3. It enters the critical section because the semaphore value is positive. If the value, sorry, for P1 request, semaphore value goes down to 2 from 3, P1 can enter the critical section. Now, for request of P3, semaphore value goes down to 1 from 2, P2 enters the critical section. Similarly, P3 is at 1, it goes down to 0, the value of the semaphore, and P3 enters the critical section. Now, the P4 process comes, it decrements the semaphore value to minus 1. And since the value of this is negative, so P4 process will wait or will sleep. On the request of P5, the semaphore value goes down from minus 1 to minus 2. So the P5 process enters the waiting queue or it sleeps. So the negative 2 is telling you that how many processes are blocked or how many processes are sleeping. So minus 2 means 2 processes are sleeping, P4 and P5 are sleeping. The positive value of semaphore is telling you that how many processes are there in the critical section. Let's say the semaphore value is 4. It means that 4 processes can enter the critical section, but at the moment there is no process in the critical section. If the value of semaphore becomes 3, meaning that the total value of S minus current value of semaphore. So that means 4 minus 3 equals to 1. One process is there in the critical section. So the semaphore value 3 is telling you that one process is there in the critical. If the value of semaphore is 2, it means 4 minus 2, 2 processes are there in the critical section. But the negative value is directly telling you that how many processes are blocked or how many processes have gone to 3. So you will be able to solve this very quickly. Okay, जो भी मैंने अभी आपको बताया वो सभी चीजें जो हैं इस स्लाइड में मेंशन है. All these things are mentioned in this slide. Let's take it once again. The value of S is 3. P0 process comes. The value of S goes
goes down to 2 and P0 enters the critical cell. Okay, now P1 comes, the value of semaphore goes down to 1 from 0, sorry, from 2, and the P1 process enters the critical cell. P2 process comes, the value of semaphore goes down to 0 from 1, and P2 enters the critical cell. So the processes in the critical section shown by the green arrow. Okay, now P3 comes, value of semaphore goes down to minus 1 from 0, and P3 sees it minus 1, so it will sleep. Sleep kahan karega? Q mein. Hume ek order maintain karna hai ki jis order mein processes block ho rahe hain ya sleep mode mein ja rahe hain, usi order mein hum inka execution allow karenge jab critical section free hoga. So hume Q maintain kar. Okay, now next P4 comes, so the semaphore value goes down to minus 2 from minus 1, and P4 also sleeps. It means P4 will come in the queue. So at this moment, you can see that the QL is containing the processes P3 and P4 in this order. And in the critical section, the processes are there P0, P1, and P2. Okay. Now, when P0 exits the critical section, one process P3 from the queue will be woken up, and that will enter the critical section. Queue se wo process niklega jo process pehle block hua tha. So P3 pehle block hua tha. Hum P3 ko nikalenge aur usko critical section mein entry allow karte. So after this, what is the condition? In the queue we have one process P4. Okay, and in the critical section process are P1 and sorry, critical section mein kaun kaun se process honge? P1, P2. एंड P3 भी होगा ना, क्योंकि अभी हमने P3 को निकाल के क्रिटिकल सेक्शन में डाला है. नाउ मान लेते हैं कि P1 एग्जिट करता है क्रिटिकल सेक्शन. इफ P1 एग्जिट्स, क्यू से एक प्रोसेस P4 जो है वो भी निकलेगा और वो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर जाएगा. तो P1 एग्जिट्स, वन प्रोसेस P4 फ्रॉम क्यू इज वोकन अप एंड इट एंटर्स द क्रिटिकल सेक्शन. इट इज वोकन अप फॉर एंट्री इन द क्रिटिकल. सो व्हाट हैपेंस इन द क्यू? देयर रिमेंस नो एलिमेंट. ओके, क्यू हमारा एम्प्टी हो गया. जो हमारा वेटिंग क्यू है वो एम्प्टी हो जाएगा. देयर इज नो आइटम इन द क्यू. और क्रिटिकल सेक्शन में कौन कौन से प्रोसेस होंगे? P2 होगा, P3 होगा और P4. ओके, तो जब भी कोई प्रोसेस एग्जिट कर रहा है तो सेमाफोर की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम चेक कर रहे हैं कि क्या हम अलाउ कर सकते हैं क्रिटिकल सेक्शन या नहीं. और जिस ऑर्डर में हमारे प्रोसेसेस ब्लॉक हो रहे हैं, इन द सेम ऑर्डर वी आर अलाउइंग देम टू एग्जीक्यूट द क्रिटिकल. So a queue is maintained, or you can say the buffer is maintained. Wherever the buffer is maintained, it means this is the bounded buffer problem. And wherever the bounded buffer is problem, buffer problem is there, it's actually the producer consumer problem. So jahan pe bhi hum queue ka use karenge, that actually is the producer consumer problem. Okay. Now, yahi jo cheez humne explain kiya. उसका एक कोड है, इसको जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं एंड देन वी विल सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चन. सो देयर आर टू थिंग्स दैट आई टोल्ड यू, दैट देयर इज वेट एंड सिग्नल. ठीक है, वेट का मतलब है कि सेमाफोर की वैल्यू को डिक्रीमेंट करना है. सिग्नल का मतलब है सेमाफोर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना. ओके, वेट का मतलब है सेमाफोर की वैल्यू को डिक्रीमेंट करना है, और सिग्नल का मतलब क्या है? कि सेमाफोर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना. इसी को हम कहते हैं डाउन एंड अप, है ना? इसी को हम कहते हैं पी एंड वी. ये तीनों नेम सेम चीज है, पी डाउन वेट, वी अप सिग्नल. इन सब का नाम सेम है. तो हमने क्या किया है कि एक स्ट्रक्चर बनाया है सेमाफोर का. उस स्ट्रक्चर में दो चीजें डाली, एक सेमाफोर की वैल्यू और एक क्यू. ठीक है, एक वैल्यू है उसकी और एक क्यू है. क्यू मेंटेन करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें ऑर्डर मेंटेन करना है. वेटिंग प्रोसेस का एक ऑर्डर मेंटेन करना है, इसमें क्यू मेंटेन करना है. सो व्हाट इज सेड हियर कि इन द डाउन द वैल्यू ऑफ सेमाफोर इज पास. डाउन में क्या होगा? सेमाफोर की वैल्यू को डायरेक्टली हम डिक्रीमेंट करते हैं. ठीक है, डायरेक्टली हम इसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे. जब भी हमें क्रिटिकल सेक्शन में अलाउ करना है किसी प्रोसेस को, तो सेमाफोर की वैल्यू को हम डिक्रीमेंट करते हैं. डिक्रीमेंट करते समय आप ये चेक कर लो कि अगर सेमाफोर की वैल्यू लेस देन जीरो है
ठीक है, अगर सेमाफोर की वैल्यू लेस देन जीरो, जैसे मान लो कि हमने 3 अलाउ किया था सेमाफोर की इनिशियल वैल्यू, 3 प्रोसेस आए और इसने इसकी वैल्यू को जीरो कर दिया, पहले 3 से 2 हुआ, 2 से 1 हुआ, 1 से 0 हो गया, एक और प्रोसेस आया तो 0 से हम इसको -1 कर देंगे डिक्रीमेंट करने के बाद, क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू आ गई है इसलिए एक प्रोसेस को हम क्यू में डाल देंगे। सो पुट प्रोसेस इन एल, पुट प्रोसेस इन एल मीन्स क्यू में डाल दो इसको और इस प्रोसेस को स्लीप करने दो, सोने दो इस प्रोसेस को, जगा दिया जाएगा जब इसको, जब क्रिटिकल सेक्शन फ्री होगा। ठीक है, सो दिस इज द डाउन। वंस अगेन लेट्स सी, डाउन का मतलब क्या है कि सेमाफोर की वैल्यू को डिक्रीमेंट करना है। अगर डिक्रीमेंट करने के कोरिस्पॉन्डिंग सेमाफोर की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाए, मतलब माइनस हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो उस केस में इस प्रोसेस को क्यू में भेज दो और स्लीप करने दो इसको। सो दिस इज डाउन। आपका क्या मतलब है, कोई एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को फ्री कर रहा है। तो अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को फ्री कर रहा है तो उस समय हमें क्या करना होगा, सेमाफोर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना होगा। सो अप में हमने सेमाफोर की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, कैसे इंक्रीमेंट किया, एस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एस डॉट वैल्यू प्लस 1। इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर लेस देन और जीरो हमारे सेमाफोर की वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस एग्जाम्पल हमने क्या देखा था कि 3 सेमाफोर की इनिशियल वैल्यू थी, एक प्रोसेस आया इसकी वैल्यू 2 हो गई, एक प्रोसेस आया इसकी वैल्यू 1 हो गई, एक प्रोसेस और आया इसकी वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, तो प्रोसेस नंबर P0, P1, P2 क्रिटिकल सेक्शन में है और फिर इसकी वैल्यू -1 हो गई अगर P4 आया, सॉरी P3 आया, और एक इसकी वैल्यू -2 हो गई अगर P4 भी आ गया। P3 और P4 हमारे क्यू में है जो कि स्लीप कर रहे हैं। ठीक है, P3 एंड P4 आर द प्रोसेस विच आर स्लीपिंग, जो कि नेगेटिव वैल्यू उन्होंने ऑब्जर्व किया था सेमाफोर। नाउ अब एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन छोड़ता है, लेट्स से P0 प्रोसेस एग्जिट्स द क्रिटिकल सेक्शन। इन केस P0 प्रोसेस एग्जिट्स द क्रिटिकल सेक्शन, सेमाफोर की वैल्यू -2 से -1 हो जाएगी। ठीक है, सेमाफोर की वैल्यू -2 से -1 होगी, सेमाफोर की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया जाएगा ऑलरेडी गिवन अपने। इस इंक्रीमेंट के कोरस्पॉन्डिंग अगर सेमाफोर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 है, नेगेटिव है ना, -1 है, इट इंडिकेट्स दैट देयर आर सम प्रोसेस इन दी क्यू। तो आपको क्या करना है कि एक प्रोसेस को क्यू से सेलेक्ट करना है एंड वेक इट अप। जिस प्रोसेस को आपने सेलेक्ट किया है क्यू से, उसको वेक अप कर दो ताकि वो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर जाए। ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मान लेते हैं कि एक बार फिर से एक प्रोसेस एग्जिट करता है क्रिटिकल सेक्शन। सो लेट्स से P1 प्रोसेस एग्जिट करता है क्रिटिकल। सो व्हेन P1 एग्जिट्स, अप विल वर्क, अप के अकॉर्डिंग -1 से सेमाफोर की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 होने के कोरस्पॉन्डिंग हमने इफ कंडीशन जब चेक किया आपने, तो इसने कहा कि इफ एस डॉट वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 0, यस 0 है, इसलिए एक प्रोसेस को और निकालते हैं क्यू से और उसको भी वेकअप कर देते हैं। क्यू में P4 प्रोसेस इज देयर, तो P4 को आप वेकअप करते हैं। P3 को आप ऑलरेडी वेकअप कर चुके थे पहले, अब P4 को भी वेकअप। सो इस तरह से काउंटिंग सेमाफोर इज इंश्योरिंग दैट एग्जैक्टली दोस नंबर ऑफ प्रोसेस आर देयर इन द क्रिटिकल सेक्शन जो सेमाफोर की वैल्यू। ओके, और नेगेटिव वैल्यू ऑफ सेमाफोर इज टेलिंग यू दैट हाउ मेनी प्रोसेसेस आर स्लीपिंग और हाउ मेनी प्रोसेस आर ब्लॉक्ड और हाउ मेनी प्रोसेस आर वेटिंग टू एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन। सो इन द काउंटिंग सेमाफोर वी आर मेंटेनिंग अ क्यू, क्यू ऑफ ब्लॉक प्रोसेस और स्लीपिंग प्रोसेसेस, एट द सेम टाइम वी आर मेंटेनिंग द वैल्यू ऑफ सेमाफोर। ओके, एंड द वैल्यू ऑफ द सेमाफोर इज टेलिंग अस दैट how many process can enter the critical section at a time. So this is the counting semaphore. Now isko hum log baad mein dekhenge ki ye kaun kaun si conditions ko satisfy karta hai, or we can say it here itself. Mutual exclusion to guaranteed isiliye hai ki jitna aap chahte hain utne hi critical section mein entry kar sakte hain. Aapne kaha ki s ki value 4 hai to 4 process critical section mein entry kar sakte hain. In case agar aap s ki value ko 1 le lein, तो उस केस में आप ये गारंटी करेंगे कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन है और एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर सकता है। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट द प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मींस अ प्रोसेस व्हिच वांट्स टू एंटर द क्रिटिकल, व्हिच डस नॉट वांट टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन विल नॉट रेस्ट्रिक्ट अदर प्रोसेस टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। ओके, सो यहाँ पे एस की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो एक प्रोसेस एंटर करेगा क्रिटिकल सेक्शन, अगर एस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं है तो वो एंटर नहीं करेगा, है ना। तो कोई प्रोसेस का सेमाफोर, किसी भी प्रोसेस का सेमाफोर पे कंट्रोल नहीं है। सेमाफोर की वैल्यू सभी प्रोसेसेस देख सकते हैं और देखने के करस्पॉन्डिंग ये अगर देख रहे हैं कि वो पॉजिटिव है तो एंटर कर जाओ क्रिटिकल सेक्शन,
निगेटिव है तो वेट करेंगे वो प्रोसेस। तो जिसको एक्सेस नहीं करना क्रिटिकल सेक्शन, वो सेमाफोर की वैल्यू को देखेगा ही नहीं, देखेगा नहीं। इसका क्या मतलब है कि इट विल नॉट डिस्टर्ब द अदर प्रोसेस इन एंटरिंग द क्रिटिकल सेक्शन, सो द प्रोग्रेस प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड इन द काउंटिंग सेमाफोर्स। नाउ व्हाट अबाउट द बाउंडेड वेट? बाउंडेड वेट का क्या मतलब है कि हम थोड़े समय बाद ये इंश्योर करें कि निश्चित रूप से एक प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में अलाउ कर ही दिया जाए, ऐसा नहीं है कि वो इनडेफिनेटली वेट करेगा। तो चूंकि सेमाफोर की वैल्यू को हम लगातार डिक्रीमेंट कर रहे हैं अपॉन ईच ऑफ द रिक्वेस्ट, और हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं अपॉन ईच क्रिटिकल सेक्शन एग्जिट, तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ दिस सेमाफोर विल टेल यू टू वेदर टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन और नॉट। तो जो भी प्रोसेस ब्लॉक हो रहा है, जैसे लेट्स से P3 और P4 प्रोसेस लास्ट हमारे एग्जांपल में ब्लॉक हो रहा था, तो जब ये अनब्लॉक होंगे तो इसी ऑर्डर में अनब्लॉक। तो ये श्योर है कि अगर एक भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन एंट्री करेगा, सॉरी एग्जिट करेगा, तो उस केस में किसी एक वेटिंग प्रोसेस को हम क्रिटिकल सेक्शन दे देंगे। तो ऐसा नहीं है कि वेटिंग प्रोसेस को इनडेफिनेटली वेट करना है। सो द बाउंडेड वेट इज ऑल्सो सेटिस्फाइड इन द केस ऑफ द काउंटिंग सेमाफोर। ओके, आई अगेन रिपीट व्हाट आई सेड, कि यहाँ पे जो सेमाफोर की जो वैल्यू है वो डिक्रीमेंट हो रही है। नेगेटिव वैल्यू ऑफ द सेमाफोर इज टेलिंग यू दैट हाउ मेनी प्रोसेसेस आर ब्लॉक्ड, व्हिच एवर प्रोसेस इज गेटिंग ब्लॉक्ड और स्लीपिंग विल बी वोकन अप अपॉन द एग्जिट फ्रॉम द क्रिटिकल सेक्शन। ओके, व्हेन एवर देयर विल बी स्पेस इन द क्रिटिकल सेक्शन दीज विल बी वोकन अप, एंड दीज विल बी वोकन अप इन द ऑर्डर ऑफ देयर ब्लॉकेड। जिस ऑर्डर में ये ब्लॉक हुए तो उसी ऑर्डर में हम इसको अलाउ करेंगे क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री। सो द बाउंडेड वेट इज सेटिस्फाइड। You know that after some time this process will certainly get the critical. So all the properties which are there are satisfied, and I leave the question of the architectural neutrality on you. Okay, architectural neutrality on you, just to find out whether this solution is architectural neutral or not. Okay, now ये मैं आपको already बता चुका हूँ कि semaphore का मतलब decrement का मतलब down. इंक्रीमेंट सेमाफोर कब करेंगे? जब हम कोई भी एक क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट होगा, उस केस में हम अप चलाएंगे या वी चलाएंगे या सिग्नल चलाएंगे, सबका मतलब एक ही है। व्हाट आर दीज? डाउन एक फंक्शन है, पी एक फंक्शन है, वेट एक फंक्शन है, अप भी एक फंक्शन है, वी भी एक फंक्शन है, सिग्नल भी एक फंक्शन है, तीनों एक ही चीज है। ये तीनों एक ही चीजें हैं और इनका हम यूज तब करते हैं जबकि क्रिटिकल सेक्शन की डिमांड आती है। ओके, Now this is the problem, और आपको ये बताना है कि सेमाफोर की फाइनल वैल्यू क्या हो। अकाउंटिंग सेमाफोर वॉज इनिशियलाइज टू 10, 6P, पी का मतलब वेट, एंड 4V, वी का मतलब सिग्नल। ऑपरेशन वर कंप्यूटेड ऑन दिस सेमाफोर, वॉट इज द रिजल्ट? वॉट इज द रिजल्ट? दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल स्टूडेंट। आई होप एवरी वन ऑफ दिस goes from 10, 6p operation चले ना wait, मतलब कि 10, 6 time इसको decrement करेंगे, तो 10 से 9 करेंगे, 9 से 8 करेंगे, 8 से 7 करेंगे, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, तो देखिए क्या आपने 6 बार चलाया इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर इसके बाद क्या करना है, V operation चलाना है, कितनी बार, 4 times, signal operation कितनी बार चलाना है, 4 times, so 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 and 7 से 8. So the final value of the semaphore is 8. You can do it like this also. 10 में से 6 minus कर दीजिए. The value is 4. फिर V operation में के लिए 4 add कर दीजिए. 4 V operations perform हुए ना. So 4 plus 4. This value is 8. So this is pretty straightforward. What about this question? The counting semaphore was initialized to 7. 20p wait operations were performed and 15 v operations means signal operations were performed. So what is the final value of the semaphore? Once again, this is very straightforward. For all the waiting operations, you perform decrement. So 7 minus 20, the value is minus 30. It means there are 13 processes which are waiting in the waiting queue. And then 15V signal operations were performed. इसका मतलब क्या हुआ कि minus 13 plus 15. So the value of final semaphore is 2. It means how many processes are there in the critical section? In case I want to find out how many processes are there in the critical section, we will subtract 2 from 7. So 5 processes are there in the critical section.
So final value of semaphore is 2, and there are 5 processes which are there in the critical.